लखनऊ से ही खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दरअसल चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ने कोहराम मचा दिया है और ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही इलाज की अव्यवस्थाओं को परखने के लिए 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी ने सेन शर्मा ने सभी मंडल और जिले के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बुधवार को सुबह 10 बजे अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं को परखा जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे।